ओम जय गुरुदेव। राम राम सा। सीएलसी सीकर जो देश की शिक्षा नगरी के रूप में प्रतिष्ठापित हो रहा है सीकर, और उसके पूज्य प्रेरणा स्रोत हैं पूज्य गुरुदेव हरिनाथ जी चतुर्वेदी, जिनका आज यानी कि 17 अगस्त 2024 को जन्म शताब्दी महोत्सव मनाया जा रहा है, और कल यानी 18 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान इनकी दिव्य प्रतिमा का अनावरण सीएलसी कैंपस में कर्मस्थली में करेंगे। गुरुदेव की जन्म शताब्दी समारोह पर आज सबसे पहले तो विधिवत रूप से गुरु पूजन हुआ है, और उसके लिए सीएलसी के डायरेक्टर श्रवण जी चौधरी ने अपने घर पर सप्तनीक विशेष रूप से मंत्रोच्चार के साथ में पूजा अर्चना की है, गुरुदेव का आशीर्वाद लिया है। और यहाँ के आराध्य बालाजी महाराज सालासर धाम, जीड़ माता संत श्रोमणि मकड़ीनाथ जी महाराज और पूज्य गुरुदेव हरिनाथ जी चतुर्वेदी, चारों की दिव्य प्रतिमाओं के समक्ष उन्होंने विशेष रूप से नमन किया है, और उस माँ प्रकृति परमात्मा का विशेष आभार जताया है जिनकी बदौलत सीकर शिक्षा नगरी के रूप में विश्व पटल पर प्रतिष्ठापित हुआ है। इसके साथ ही इस अवसर पर ब्लड डोनेशन कैंप का भी एक विशेष रूप से आयोजन किया गया है गुरुजी के जन्म शताब्दी समारोह पर, और ब्लड डोनेशन कैंप का शुभारम्भ हमारे बॉस के आदरणीय पिताजी के कर कमलों से हुआ है, जिन्होंने गुरुजी के चरणों में पुष्प चढ़ाकर घी का दीपक जलाकर कार्यक्रम का विधिवत रूप से शुभारंभ किया है। और इसके साथ ही विभिन्न जो युवा रक्तदाता हैं, जो उत्साह के साथ में रक्तदान कर रहे हैं, उनका भी उत्साहवर्धन आपने आशीर्वाद देकर किया है। सबसे पहले सीएलसी के सीईओ साहिल चौधरी, समर चौधरी ने अपना ब्लड डोनेशन किया है, और उसके बाद में सभी टीम के साथ ही ब्लड डोनेट कर रहे हैं। सीकर और आसपास के लोग यहाँ पर बड़े उत्साह के साथ में रक्तदान करने आए हैं। तो सबसे पहले मैं निवेदन करूँगा दादाजी से, दादाजी आज के इस जन्म शताब्दी समारोह और बड़े कार्यक्रम की बधाई दे दो। सभी को बधाई है इस काम के लिए, लाख लाख बधाई। आज बड़ी खुशी का अवसर है कि आपके समक्ष गुरुदेव का जन्म शताब्दी समारोह भी मनाया जा रहा है, और बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, सीकर को पूरे विश्व पटल पर प्रतिष्ठापित कर रहे हैं, तो कितनी खुशी है, क्या कहेंगे? बहुत खुश है, शब्दों में नहीं बांध सकते खुशी। ये अद्भुत खुशी है जो भाव विभोर हैं, और कहते हैं कि शब्दों में नहीं बांधा जा सकता इस खुशी को, क्योंकि ये अपने आप में अपार खुशी है। और इसके साथ ही एक समर्पित टीम, समर्पण का कार्यक्रम यहाँ पर है। आइए अब आपको दिखाते हैं ब्लड डोनेशन कैंप की कुछ झलकियाँ। यहाँ से ये हमारे पधार गए हैं हमारे परमेश्वर जी भाई साहब, जो सीएलसी के साथी हैं, श्रवण जी के विशेष अनन्य प्रेमी हैं, और ये जो सारा कार्यक्रम है वो आपके कोऑर्डिनेशन में ही हो रहा है। निवेदन करूँगा पहले तो कि आप सबसे पहले पुष्पांजलि। गुरुदेव के जन्म शताब्दी समारोह और ब्लड डोनेशन कैंप और सीएलसी में सीएम साहब के आगमन के इस कार्यक्रम में पधारे हमारे बीजेपी के जिलाध्यक्ष कमल जी सिखवाल हैं। अध्यक्ष जी, आज गुरुजी का जन्म शताब्दी समारोह बड़ा आयोजन है, क्या कहेंगे? कल सीएम साहब भी आ रहे हैं। गुरुजी की प्रेरणा से आदरणीय श्रवण चौधरी जी ने इस सीकर शहर को शिक्षा नगरी के रूप में बदल दिया। ऐसा करना तभी संभव हुआ जब महान शिक्षाविद आदरणीय चतुर्वेदी साहब ने हमारे सीकर के लाडले आदरणीय श्रवण चौधरी जी को प्रेरणा दी, मार्ग प्रशस्त किया, आशीर्वाद दिया, और गुरु शिष्य की परंपरा को सब लोगों के लिए प्रेरणादायी बनाने के लिए आदरणीय श्रवण जी ने अपने परिवार के संस्कारों को आगे बढ़ाते हुए जिस प्रकार से गुरुजी के प्रति श्रद्धाभाव रखते हुए आज का यह रक्तदान शिविर, जो कि ज़रूरतमंद लोगों के जीवनदायी होगा, इस भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, और कल उनकी मूर्ति का अनावरण करेंगे। आदरणीय मकड़ीनाथ जी महाराज की मूर्ति का भी अनावरण होगा, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी पधार रहे हैं इस जनकल्याणकारी कार्य के लिए। निश्चित रूप से आदरणीय मुख्यमंत्री जी हम सबको प्रेरणा देंगे, और जिस प्रकार से श्रवण जी ने आदरणीय चतुर्वेदी जी के 100वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में इस प्रकार का भव्य आयोजन किया, इसके लिए आदरणीय श्रवण जी, उनकी टीम और सीएलसी परिवार साधुवाद के पात्र हैं। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सभी रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाने के लिए सीएलसी के साथी और श्रवण जी के विशेष स्नेही जन जो आए हैं, वो सब सभी रक्तदाताओं का हौसला बढ़ा रहे हैं, और हमारे परमेश्वर जी
आज के इस शानदार आयोजन की बधाई देख रहे हैं चैनल, सबको मेरी ओर से बधाई। ये गुरुदेव के 100वें जन्मदिन पे भव्य कार्यक्रम की आज 3 दिन की श्रृंखला के कार्यक्रम आज शुरुआत है। अभी रक्तदान का प्रोग्राम है, 4 बजे पौधारोपण का प्रोग्राम है, शाम को भजन संध्या होगी, कल मुख्यमंत्री जी मूर्ति का अनावरण करेंगे। ये कार्यक्रम CLC के इस कैंपस में जो बड़ा आयोजन हो रहा है उसमें हमारे बीच में जितेंद्र जी कारंगा है, राजपूत समाज के बड़े नेता है, क्या कहेंगे आज के इस दिव्य आयोजन को लेकर के कल CM साहब हो रहा रहे हैं? देखिए मैं कह रहा हूँ, बहुत सीकर को यदि शिक्षा नगरी बनाने में किसी व्यक्ति का योगदान है, उन जिनका आशीर्वाद है, आज उनकी 100वीं जन्म जयंती है और कल माननीय मुख्यमंत्री जी राजस्थान के मुखिया हैं वो भी आ रहे हैं, और आज सीकर के इतिहास में यदि युगों युगों तक किसी को याद किया जाएगा तो उसमें प्रेरणापुंज माननीय चतुर्वेदी साहब हैं, लेकिन माननीय श्रवण चौधरी का भी बहुत बड़ा योगदान है। जिस दिन उन्होंने यहाँ कोचिंग की स्थापना की उस दिन कोई कल्पना नहीं थी सीकर कोचिंग के क्षेत्र में पूरे देश में अपना नाम रोशन करेगा, इसलिए मैं इस अवसर पर माननीय श्रवण चौधरी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और पूज्य गुरु जी को प्रणाम करता हूँ। नाथ चतुर्वेदी जी को प्रणाम किया है, उनकी महानता के बारे में बताया है और सीकर को शिक्षा नगरी के रूप में जिस तरीके से उनके आशीर्वाद से श्रवण चौधरी ने बनाया है, तो श्रवण जी भी इस अवसर पर बधाई के पात्र हैं और CLC के बच्चे भी बड़े उत्साह के साथ में विशेष रूप से रक्तदान कर रहे हैं, तो ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है सीकर के लिए। देव की जन्म शताब्दी समारोह है, क्या कहेंगे इस अवसर पर? बड़ा आपने खुद ने भी ब्लड डोनेट किया है। मैं कि सबको बाबा को मानते हैं मेरे पापा, तो फिर सबको ब्लड डोनेट करना चाहिए, ये अच्छी चीज़ होती है। और जन्म शताब्दी समारोह में CM साहब भी आ रहे हैं, तो कितनी उत्सुकता है? काफ़ी। सीकर CLC के इस कार्यक्रम में जनसेवक भंवरलाल जी जांगिड़ साहब भी आए हैं। जांगिड़ साहब क्या कहेंगे, सीकर शिक्षा नगरी के रूप में विश्व पटल पर प्रतिष्ठापित हो रहा और CLC के श्रवण जी अपने गुरुदेव की जन्म शताब्दी समारोह मना रहे हैं? श्रवण जी हमारे बहुत पुराने जानकार हैं और इस सीकर में मैंने भी बचपन से यहाँ रह रहा हूँ। इस सीकर की शिक्षा नगरी में जो जोत जगाने वाले हमारे श्रवण जी ही हैं। इन गुरु की कृपा से आज श्रवण जी ने पूरे राजस्थान में ऊंचाई तक छुआ है, शिक्षा के नाम से जानते हैं, तो हमारे श्रवण जी का नाम सबसे पहला नाम स्थान होता है। इसलिए मैं श्री से CLC परिवार से भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इसी तरह से ये CLC ऊंचाई तक पहुँचे और सब बच्चा यहाँ से निकलते हैं वो एजुकेटेड होकर के और बड़ी बड़ी ओहदों और बड़ी बड़ी पोस्टों पर जा करके और CLC का नाम बहुत बड़ा रोशन किया है। इसलिए मैं आज को धन्यवाद देता हूँ और कल हमारे PM यहाँ आ रहे हैं, CM साहब आ रहे हैं और इनके भी बहुत बहुत आभारी, बहुत धन्यवाद। CLC के इस ब्लड डोनेशन कैंप में महिला शक्ति भी बढ़ चढ़ कर भाग ले रही है और जिस तरीके से CLC के बच्चे और टीम ब्लड डोनेट कर रही है उसके साथ ही CLC की टीम और यहाँ पर आई हुई महिला शक्ति CLC में मुस्कुराते हुए रक्तदान कर रहे हमारे कुछ साथी से भी बात करते हैं। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है? श्रवण कुमार। आपका भी नाम श्रवण है? वाह, तो श्रवण चौधरी। रक्तदान कर रहे हैं मानवता के लिए, कितनी खुशी है इस अवसर पर? बहुत खुशी है, मैं खुद IIT मद्रास से पास आउट हूँ। क्या बात है, मद्रास से IIT से आपने डिग्री ली है और यहाँ पर श्रवण बोस के आह्वान पर इस कार्यक्रम में पधारे हैं, बहुत खुशी की बात है। अब आइए सभी रक्तदाताओं को आपको परिचय भी करवाता हूँ, दिखवाता हूँ। ये इधर है, क्या नाम है सर आपका? गंगाधर भाटी। गंगाधर जी भाटी, गुड। ये गंगाधर जी हैं, इधर भैया हैं, इधर सभी लोग अलग अलग तरीके से रक्तदान कर रहे हैं। ये बहुत अद्भुत नज़ारा है, उत्साह के साथ में रक्तदान की मानवता केवल धर्म बने, ऐसा प्रकाश फैला जाए, आत्मज्ञान का दीप जला घर घर को रोशन कर जाए, तो ये मुस्कुराते हुए रक्तदान है। राम राम जी। राम राम साहब। क्या नाम है? दामोदर शर्मा। ब्लड डोनेट करते हुए कितनी खुशी, सेवा की अनुभूति? अच्छा है, रक्तदान होना है, महादान करना चाहिए, अच्छी से करना चाहिए और बढ़िया है, ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। सभी लोग उत्साह के साथ रक्तदान करते हुए इस बात की भी प्रेरणा दे रहे हैं कि अधिक से अधिक रक्तदान करना चाहिए। जय CLC। जय CLC सर। क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा लग रहा है ब्लड डोनेट करके, बाबा के जन्मोत्सव पे गौरव की अनुभूति हो रही है, बोस के सानिध्य में कार्य कर रहे हैं। जय CLC। जय CLC। क्या कहना चाहेंगे आज के ब्लड डोनेट कैंप को लेकर और इवेंट को लेकर? बाबा के लिए कर रहे हैं जो कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं का आशीर्वाद है और आज उनका जन्म शताब्दी समारोह भी है। हाँ। कल CM साहब आ रहे हैं, तो कितनी खुशी है कि बॉस का बड़ा सपना साकार हो रहा है, तो टीम का भी एक उत्साह है। हाँ, हमें तो बहुत ही खुशी है कि हमारे बॉस हमेशा से चाहते हैं ये
और उन्हीं की खुशी में हमारी खुशी है। तो सब लोगों को इस बात का सुखद अनुभव है कि बॉस की जो इच्छा है गुरुदेव के चरणों के प्रति विशेष सम्मान की, वो सपना साकार हो रहा जो उन्होंने 8 साल पहले देखा था कि 17-18 अगस्त 2024 जब आएगी तो गुरुदेव के जन्मदिन को 100 वर्ष होंगे तो जन्म शताब्दी समारोह के रूप में मनाएंगे। और इसी CLC के इस ब्लड डोनेशन कैंप गुरुदेव के जन्म शताब्दी समारोह में आदरणीय वीर तेजा सेना के संस्थापक सीकर में भाई पवन जी ढाका हैं जो बॉस से बहुत अच्छे तरीके से जुड़े हुए हैं। पवन जी आज के इस कार्यक्रम को लेकर इसके उत्साह को देखकर क्या कहेंगे? ये देखने लायक उत्साह है और देखने लायक कार्यक्रम है। जैसे कि आप देख रहे हैं ब्लड देने वालों की कतार लगी हुई है और शानदार प्रोग्राम जो करवा रहे हैं भाई साहब, बड़े भाई साहब सरवण जी, जो गुरु जी की यहाँ प्रतिमा लगा रहे हैं और महाराज मकड़ीनाथ जी की भी प्रतिमा का अनावरण हो रहा है कल, जो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में आज जैसे ब्लड डोनेशन का कैंप है, शाम को हज़ारों पेड़ लगाने का भी प्रोग्राम है, तो ऐसे प्रोग्राम समय समय पे होते रहने चाहिए। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। बिल्कुल, तो सबको बहुत खुशी है, आनंद है और ये यहाँ का वातावरण आप देख सकते हैं कि ब्लड देने वालों की किस तरीके से भागीदारी है, उत्साह बढ़ा हुआ है और मुस्कुराते हुए रक्तदान। 4 ब्लड बैंक की टीमें यहाँ पर ब्लड डोनेशन के लिए आई है और यहाँ अपन प्रारंभिक तौर पर रजिस्ट्रेशन से इसको यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन हो रहा है। ब्लड डोनेट के लिए फॉर्म अप्लाई होता है, उसकी ब्लड सैंपलिंग चेक होती है और उसके बाद में तो आपने दे दिया ब्लड। जी सर। जय CLC। क्या कहना चाहेंगे आज? बाबा का 100वां जन्मोत्सव है, पूरी हमारी टीम में और आसपास के जो भी CLC परिवार है वो पूरा ब्लड डोनेशन के लिए तैयार हो रहे हैं और ब्लड देने के बाद जूस वगैरह और बाबा का एंजॉय कर रहे हैं। और इधर से ये रजिस्ट्रेशन चल रहा है, रजिस्ट्रेशन के बाद में अलग अलग टीमें बैठी हुई है जो उनका सारी चीज़ों का प्रॉपर तरीके से चेकअप, उसके बाद सैम्पलिंग, उसके बाद में फिर ब्लड डोनेट के लिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से इधर भी ऐसा ही कैंप के रूप में लगे हुए हैं जिसके अलग अलग रजिस्ट्रेशन काउंटर हैं ब्लड डोनेशन के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, और वो सारे प्रॉपर तरीके से गाइड करते हुए उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर जो टीम है उससे भी एक बार बात करते हैं। राम राम जी सर। राम राम सर। आज का जो ब्लड डोनेशन है CLC में किस तरीके से उत्साह है, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन? बहुत अच्छा लग रहा है, खूब उत्साह है लोगों में, स्टूडेंटों में, सब में, और गुरुदेव की आशीर्वाद से बहुत अच्छा कैंप लग रहा है। बिल्कुल, तो बड़ा अच्छा कैंप ये लग रहा है और 2 कक्षों में विशेष रूप से बेड लगे हुए हैं जहाँ पर ब्लड डोनेट युवा कर रहे हैं और दोनों ही हाउसफुल हैं। एक उत्साह है अपार, सैकड़ों की संख्या में ये ब्लड डोनेट करके और कई सारी यूनिट्स आज एकत्रित होने वाली है, तो ये समर्पण है गुरु के प्रति, ये समर्पण है अपने इष्ट के प्रति, ये समर्पण है संतों के प्रति, ये समर्पण है शिक्षा के प्रति। और इसीलिए CLC का जो सपना है हर गाँव ढाणी से डॉक्टर इंजीनियर बने अपना, तो गाँव गाँव और ढाणी ढाणी के उन लोगों ने अपने आप में एक अद्भुत सफलता प्राप्त की है और ये सेवा और संस्कारों का है, क्योंकि CLC में शिक्षा, सुरक्षा, संस्कार और सफलता ये समन्वय है और ये आगे निरंतर बढ़ता रहे। CLC में गुरुजी के जन्म शताब्दी समारोह पर चल रहे ब्लड डोनेशन कैंप में संत शिरोमणि मकड़ीनाथ जी महाराज के जो सातड़ा धाम है वहाँ से हमारे भैया रामनिवास जी आए हैं जो यहाँ पर सीकर में नाथ जी महाराज के नाम से हॉस्टल भी चलाते हैं, क्योंकि आसपास के सारे प्राइवेट हॉस्टल एसोसिएशन के लोग भी इसमें पूरी भागीदारी निभा रहे हैं। तो रामनिवास जी, श्रवण बोस के सेवा कार्यों को, गुरुजी के प्रति समर्पण को और आज के इस इवेंट को कैसे देखते हैं? सर, ये सब कुछ देख के बहुत अच्छा लग रहा है आज का, और 100वीं जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में जो ब्लड डोनेशन का कैंप चल रहा है, ये सब बाबा के ही जो विचार थे उनके विचारों से ही सब कुछ हो पाया। आज जो सीकर जिस शिक्षा पटल के नाम से उत्तरोत्तर उन्नति कर रहा है पूरे विश्व में, एक राजस्थान में भी नहीं कह सकते, पूरे विश्व में है ना, आज शिक्षा के नाम पे बहुत बड़ा योगदान है। तो निश्चित रूप से बड़ा योगदान है और सातरा धाम की बड़ी कृपा है, जहाँ पर मुझे भी श्रवण बोस की प्रेरणा से जाने का मौका मिला, 2 बार जाने का मौका मिला, 1 बार नाथ जी के बरसी के सत्संग के कार्यक्रम में और
एक बार वैसे मैंने वहाँ की डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जो हमारे जेयूपी मीडिया ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध भी है। निश्चित रूप से संतों की कृपा जब बरसती है तो आनंद अद्भुत होता है। राम राम जी। राम राम जी। जय सीएलसी। जय सीएलसी। जय बोस। क्या कहेंगे आज का ऐतिहासिक कार्यक्रम है, आनंद और उत्साह का? बहुत अच्छा कार्यक्रम है और बहुत ही आनंद आ रहा है। ब्लड दे दिया है और ऐसे मन कर रहा कि एक बार और दे दूं। मतलब इतनी खुशी है और आज ऐसा लग रहा है कि आनंद आयो रे सतगुरु जी, वहाँ पर रंग बरसायो रे, आनंद आयो रे, इतना उत्साह इस कार्यक्रम में अपन देखने को। मुकेश जी भीचर भी इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। मुकेश जी, बहुत आनंद और उत्साह के साथ में लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं, पूरे कार्यक्रम में सेवा से जुटे हुए हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया सर, ये सीएलसी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है सर। ब्लड डोनेशन कैंप में किस तरीके का उत्साह है? ये वेटिंग में ब्लड देने के लिए वेटिंग में बैठे हुए पूरे एनर्जी के साथ में। जय सीएलसी। जय सीएलसी। क्या नाम है? अनुज पुरी। अनुज पुरी। तो अनुज, अभी ब्लड डोनेशन ये ले रखा है, अभी ब्लड दोगे आप? अभी देंगे। अच्छा, पहले भी दिया? फर्स्ट टाइम दे रहे? पिछली बार दिया था सीएलसी में। पिछली बार भी दिया था। सीएलसी के बारे में, आज के कार्यक्रम के बारे में, बोस ने शिक्षा नगरी के रूप में सीकर को विश्व पटल पर प्रतिष्ठापित किया, क्या कहेंगे? बोस का अपने गुरु के प्रति इतना सम्मान देखे, हमें भी यही जागरूकता हो रही है। बहुत, अपने गुरु के प्रति इतना सम्मान होना भी चाहिए। हाँ। बहुत बढ़िया। तो बच्चों में भी एक शिक्षा संस्कार आ रहे हैं और वो मानते हैं कि गुरु के प्रति इतना समर्पण रखना चाहिए। आज के आनंद की बात बताओ। आज का आनंद क्या, आनंद ही आनंद है। हमारे बोस ने सीकर में एक छोटी सी कोचिंग के साथ इंजीनियरिंग और मेडिकल कोचिंग की शुरुआत की थी जी, तो हमें बहुत खुशी हो रही है कि बोस ने आज सीकर ज़िले को अपने संपूर्ण भारत में ऊंचा, गर्व से सर ऊंचा किया है सीकर ज़िले का, तो हम बहुत बहुत बोस के आभारी हैं और बोस के उज्जवल भविष्य की कामनाएं और सीएलसी के उज्जवल भविष्य की कामनाएं करते हैं। और ऐसा ऐतिहासिक दिन कभी नहीं आएगा, ये जन्म शताब्दी समारोह बोस ने, बोस के गुरु जी ने बोस को जो आशीर्वाद दिया उसका आज ये स्वरूप आप देख रहे हो। कैसे सीकर ज़िला कैसे ऊंची ऊंचाइयों पर बढ़ रहा है, कई जिलों में तो हम निकलते हैं तो पता नहीं पड़ता कि ज़िला आ गया है क्या। तो सीकर अपने आप में एक नई ऊंचाइयां छू रहा है। जय सीएलसी। जय सीएलसी। विजय सीएलसी। तय सीएलसी। क्या बात है। तो सीएलसी का सफलता का जो सिलसिला है वो लगातार ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। आज गुरुदेव चतुर्वेदी जी का जो जन्म शताब्दी समारोह है वो अपने आप में बहुत अद्भुत और उत्साह के साथ में मना रहे हैं। आप एक टीम सीएलसी के नाते क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद दूंगा, हमारी टीम सीएलसी में आप योगदान देने पूछे, हमारे सीएलसी ब्लड कैंप के कवरेज कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी सीएलसी में ये ब्लड कैंप तो हर वर्ष ही होता है लेकिन इस बार विशेष है, गुरुजी की 100वां जन्मदिन है, उसके ऊपर गुरुजी और संत शिरोमणि मकड़ीनाथ जी महाराज दोनों की मूर्ति का अनावरण है। हमारे बोस के सानिध्य में कल हमारे सीएम साहब भी आ रहे हैं राजस्थान के, और बहुत ही विशाल प्रोग्राम है। तो अद्भुत विशाल कार्यक्रम है, विशाल उत्साह है। जय सीएलसी। जय सीएलसी। विजय सीएलसी। अपना परिचय भी बताओ और आज के ऐतिहासिक कार्यक्रम के बारे में बताओ। मैं दीपक भास्कर सुजानगढ़ से और सीएलसी परिवार का एक मैं सदस्य हूँ। आज हमारे गुरुदेव पूजनीय पंडित हरिनाथ जी चतुर्वेदी महाराज का आज 100वां जन्मोत्सव हम लोग आज सीएलसी परिवार में मना रहे हैं। इस उपलक्ष्य में आज हमारा रक्तदान शिविर का आयोजन रखा गया है और उसके बाद शाम को हम लोग पौधारोपण करेंगे हर्ष रोड पे, और गोरिया जो हमारा फार्म हाउस है वहाँ हम लोग पौधारोपण करेंगे, और कल हमारे पूजनीय गुरुदेव और नाथ संप्रदाय के बाबा मकड़ीनाथ जी महाराज की दो आदमगंज मूर्ति का अनावरण राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा किया जाएगा। और बड़ा एक उत्सव जैसे होली दीपावली की जो खुशी होती है वो आज हम पिछले दो तीन दिन से इस प्रोग्राम में लगे हुए, ये जो दो दिनों का जो त्यौहार है हमारे लिए होली दीपावली से कम नहीं है और सारे लोग मिलकर इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, बहुत आनंद आ रहा है। बिल्कुल। तो ये आनंद और सेवा की अनुभूति सच्चाई और अच्छाई के साथ महसूस हो रही है, और जो सीएलसी का शिक्षा संस्कारों का सिलसिला है आगे बढ़ाने का, हर गाँव की झोंपड़ी को महल में कन्वर्ट करने का जो जज्बा बोस का है, हर व्यक्ति को खुशी देना और शिक्षा की ताकत के साथ में उसको आगे बढ़ाने का जो संकल्प है वो वाकई में अद्भुत है। ये विकास की यात्रा, ये शिक्षा और संस्कारों की यात्रा सदैव यूं ही आगे बढ़ती रहेगी। ब्लड डोनेशन कैंप और गुरुदेव हरिनाथ चतुर्वेदी के जन्म शताब्दी समारोह में हमारे साथी और बड़े भाई नेकीराम जी आ रही है, जो शेखावाटी इलाके के बहुत अच्छे कवि हैं, साहित्यकार हैं, रचनाकार हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं और शिक्षाविद हैं। बोस के प्रति बड़ा आदर रखते हैं। सीएलसी कैंपस में गुरुदेव की जन्म शताब्दी समारोह को
और इस ब्लड डोनेशन कैंप और सेवा कार्यों के बारे में अपनी बात रखें। बहुत बहुत धन्यवाद धरी जी। हमारा परम सौभाग्य है कि कल के कार्यक्रम में, आज के कार्यक्रम में लगातार कवरेज के लिए हरी जी किवाड़ा हमारे बीच में है। ये ऐतिहासिक फंक्शन सीकर की इस पावन धरा पे हो रहा है, जो कि CLC के कर्म स्थली में हो रहा है। और हमने बहुत पहले ऐसा सपना बॉस के साथ संजोया था कि कभी हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री या देश के प्रधानमंत्री CLC में आएँ और किसी बड़े सेलिब्रेशन को हम अंजाम दे पाएँ। और आज बड़ी खुशी है और बड़ा उत्साह है सीकर के लोगों में कि CLC की कर्मस्थली में श्रवण जी, CLC की जो आकांक्षा थी, जो सपना था, वो कल पूरा हो रहा है। माननीय भजनलाल जी मुख्यमंत्री राजस्थान हमारे यहाँ पधार रहे हैं और गुरु जी की मूर्ति का अनावरण करने के लिए आ रहे हैं। बच्चों में भी बहुत उत्साह है, सीकर के लोगों में भी बहुत उत्साह है कि CLC में आखिरकार मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हो रहा है। और उसका कवरेज करने के लिए हमारे मीडिया के हरी जी किवाड़ा, जिनसे हमारा विशेष स्नेह है, और इस पूरे कार्यक्रम को आप देख रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, होस्ट कर रहे हैं, और आपको ईश्वर ने ऐसे शब्दों की क्षमता दी है कि उन शब्दों से आप पूरे राजस्थान में, राजस्थान से बाहर भी छाए रहते हैं। आज हमें बड़ी खुशी है कि लंबे समय बाद हम जुड़े रहे, अभी भी जुड़े हैं। हरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। CLC के इस कैंपस में गुरुदेव के जन्म शताब्दी समारोह में भारतीय जनता पार्टी के सीकर के पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय महेश जी शर्मा है। भाई साहब, CLC में शिक्षा और संस्कारों की सुगंध और गुरुदेव का जन्म शताब्दी समारोह और सेवा कार्य और श्रवण बोस का समर्पण, क्या कहेंगे? ये सारे आयोजन परियोजन का एक सुंदर संयोग है। निश्चित रूप से गुरु के प्रति श्रद्धा मैंने भी बहुत कम देखी है लोगों में, पर जिस तरह का श्रवण जी का भाव रहता है और जिस तरह गुरु का सम्मान अपने सम्मान से ज़्यादा हो, ये एक सराहनीय तो है ही है। पर सामाजिक सरोकारों का काम CLC जिस तरीके से करती आ रही है, वह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी है और एक पूरे वातावरण में एक अच्छा संदेश है। और इसी संदेश के तहत एक बहुत बड़ा काम जो आज रक्तदान के नाम से किया जा रहा है, रक्तदान के चलते किया जा रहा है, पूरी मानवता को जिसकी ज़रूरत होती है। इसलिए मेरी ओर से मैं इस पूरे कार्यक्रम को लेकर और उनके गुरुजी के इस जन्म शताब्दी कार्यक्रम को लेकर उनकी बधाई भी देता हूँ और मेरी ओर से बहुत बहुत साधुवाद भी देता हूँ। गणेश राम जी हैं। गणेश राम जी, आज CLC के इस ऐतिहासिक और अनूठे कार्यक्रम को लेकर आपके मन के उद्गार बताएं। मैं बोस का भाई हूँ और ये हमारे ख़ानदान के लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है कि ऐसा गुरु भक्त इस कलयुग में होना असंभव है। जो जैसा भाई है गुरु भक्त, और भगवान इसको लंबी उम्र दे और सदा इसको ऐसे ही गुरु के प्रति बनाए रखे। BJP के वाइस प्रेसिडेंट सम्माननीय प्रमोद जी खंडेलवाल हमारे बीच में हैं। प्रमोद जी, श्रवण बोस के काम को, श्रवण बोस की गुरु भक्ति को और श्रवण बोस के टीम वर्क को आप किस तरीके से आज अद्भुत अनूठे अंदाज में देख रहे हैं? मैं श्रवण जी जब शिखर में आए 0 पॉइंट से उठने वाले, आज जो स्थिति इनकी बनी है, जो सामाजिक सरोकार से ये इतने सामाजिक कार्यक्रम से जुड़ते जुड़ते आज ये स्टेज पर है कि सीकर में एजुकेशन जो हब बना है, उस एजुकेशन में सीकर सिटी को बढ़ाने श्रवण चौधरी का बहुत बड़ा हाथ है। और एजुकेशन के मामले में जो श्रवण चौधरी ने जो हमारे आसपास के राजस्थान में अपना ग्राउंड बनाया, अपना स्थान बनाया, आज इनकी ब्रांचेज जैसे सीकर है, जयपुर है और भी हनुमानगढ़ गया, और दूर दूर के बच्चे जो राजस्थान से आउट ऑफ स्टेशन, ये इनके कार्यक्रम है। ये गुरु के प्रति ये संस्कारित जो शुरू से उनको ये आज उनकी देन है, तो गुरु की मेहनता, गुरु की महानता के रूप में उन्होंने कार्य किया। और ये कार्यक्रम बहुत ही जो श्रवण जी ने किया है, ये सीकर के लिए एक बहुत बड़ा इन्हें नाम होगा। CLC के ब्लड डोनेशन कैंप और गुरुजी के जन्म शताब्दी समारोह में हमारे बीच में डॉक्टर BL रणवा साहब हैं, जो BJP के नेता हैं और सामाजिक सरोकारों में अग्रणी रहते हैं। आज श्रवण बोस की गुरु भक्ति, सेवा कार्य और सीकर शिक्षा नगरी के रूप में प्रतिष्ठापित हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिकग्नाइज किया है, क्या कहेंगे? देखो, मैं तो प्रथमतः तो श्रवण जी को बधाई देना चाहूँगा कि वो उन्होंने सिर्फ शिक्षा को भी बढ़ावा नहीं दिया, उन्होंने बच्चों में आदर्श
और बच्चों में जो एक करैक्टर जो होता है उसको चरित्र निर्माण का जो कार्य है वो भी साथ साथ में किया है। और ये इस तरह के जो कैंप हैं ये पहली बार नहीं कर रहे हैं श्रवण जी, ये तो वर्षों से मैं देखता आ रहा हूँ, हमने साथ मिलके भी किया, हमारे अस्पताल ने भी साथ मिलके किया है। इसके अलावा भी श्रवण जी समय समय पर बहुत से सामाजिक कार्य कर रहे हैं। मैं श्रवण जी और श्रवण जी टीम को बधाई देना चाहूँगा कि कल मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं और ये अपने आप में एक सपना होता है किसी इंस्टीट्यूट में सीएम का आना। आप बीजेपी से जुड़े हैं तो सब लोग स्वागत के लिए तैयार है, कितनी उत्सुकता खुशी है। देखो ऐसा है, यशस्वी मुख्यमंत्री राजस्थान माननीय भजनलाल जी, जिनको आजकल भागीरथ के नाम से भी जाना जा रहा है, वो पधार रहे हैं। सीकर पूरे ज़िले के लिए ही खुशी है, सीकर लोकसभा क्षेत्र के लिए भी खुशी का माहौल है। और मैं कहना चाहूँगा कि सीएलसी के लिए तो एक बहुत बड़ी बात होगी कि कोई सीएम आकर के उनके गुरुजी की जो मूर्ति है उसका अनावरण करेंगे। ऐसा समय सबके लिए नहीं आता है, बहुत बढ़िया बात है। मैं श्रवण जी की टीम को पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस तरह का जो कार्यक्रम आयोजित करके, ये एक राजस्थान स्तर का ही नहीं अपितु भारतीय स्तर का कार्यक्रम होने जा रहा है, मैं पुनः बधाई देता हूँ। ब्लड डोनेशन कैंप में हमारे अंकित भैया भी जो बॉस के भतीजे हैं, आज के इस ब्लड डोनेशन में उत्साह से रक्तदान कर रहे हैं, क्या कहेंगे? मेरे को ब्लड डोनेशन करना एक, मतलब मैं काफ़ी बार डोनेट करता हूँ, ये पहली बार नहीं है मेरे लिए। कॉलेज में भी क्या करता था, बाकी मैं पहले हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में था, वहाँ पे भी हमारे कैंप होते थे। अभी मैं PSU महारत्ना में हूँ एज एन असिस्टेंट मैनेजर, उधर भी मैं एक बार कर चुका हूँ 3 महीने में, और अभी ये मेरा दूसरी बार है। मतलब उसके बॉस का जन्म गुरुदेव का जन्म शताब्दी समारोह है, जिस तरीके से आपके परिवार की गुरु भक्ति है कमाल की है, अद्भुत प्रेरणा है। हाँ बिल्कुल, और इस चीज़ में मैं भी अभी आसाम से इसी वजह से, खासकर मेरी पोस्टिंग आसाम है और मैं इस इवेंट के लिए आया हूँ वहाँ से। तो ये समर्पण है देखिए गुरु भक्ति की। हमारा CLC स्टूडेंट है, जय CLC। क्या नाम है? लोकेश चौधरी। चलो लोकेश बताओ आज के इवेंट को किस तरीके से फील कर रहे हो? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। हमारी CLC के संस्थापक श्रवण चौधरी के गुरुदेव का 100वां जन्मदिन है, उसके ऊपर हमारे को रक्तदान करने का बहुत अच्छा अवसर मिला है और फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा ब्लड डोनेट करके।